उत्तराखंड में फंसे मजदूरों को निकालने के बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। कई की तबीयत काफी खराब बताई जा रही है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं डॉक्टर अनिल गोयल जी। डॉक्टर साहब, ये जो मजदूर इतने दिनों से फंसे थे, अब इनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, क्या जरूरत है, क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, क्या स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए, आपको सबसे पहले ये जानने से पहले ये समझना होगा कि एक वो कुछ फिट के एक क्यूबिकल में वो फंसे हुए थे पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा समय में, तो इनको क्या खाना मिला होगा, वो खाना मिला इनको क्या, ड्राई फ्रूट मिला, पॉपकॉर्न मिला है मिला, तो इसमें बहुत सारे इनके फाइबर की कमी हो गई, विटामिन्स की कमी हो गई, इनको पानी की मात्रा भी कमी रही होगी, तो डिहाइड्रेशन से ये सफर कर रहे होंगे, इनको पेट की दर्द की समस्या कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहे होंगे, इनके दूसरे साइकोलॉजिकल इश्यूज इनको हो गए होंगे, क्योंकि क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट में जब भी आप रहते हो तो आपको डिप्रेशन हो जाता है, आपको शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, आपको रेस्टलेसनेस हो जाती है, आपको जो इसको हम कहते हैं जिंदगी और मौत का खतरा हर वक्त उनके लिए बना रहता होगा, आप कह सकते हैं इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में जो आदमी है ना, तो वो फोकस कर पाता, ना कोई डिसीजन ले पाता, और रेस्टलेस रहता है बहुत, ऐसे 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 देखते हैं उसकी आंखें ऐसे मूवमेंट होते रहते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि जो पेट की समस्याएं हैं, इनमें पेट दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, ये समस्याएं होंगी। इसके अलावा जो हम उसमें सिलिका है पाउडर, आप समझते हो सिलिका जो सांस के रास्ते अंदर गया है, तो कई लोगों खुदाई हो रही थी तो वहां पर पहाड़ी सिलिका मतलब पाउडर, पाउडर जो सिलिका डस्ट है, धूल जो आप कह सकते हैं, धूल है सिलिका, तो वो जब भी सांस की नलियों में जाएगी तो सांस की नलियों को ब्लॉक करेगी, और सिलिकोसिस ऐसी बीमारी होती है, इनको क्रॉनिकली लंग डैमेज भी हो सकते हैं, एक्यूट में अभी सांस फूल सकता है, ऑक्सीजन की कमी तीसरी हो सकती है, हाइपोक्सिया हो, ऑक्सीजन की कमी हो, उसके कारण भी दिमाग पे भी असर हो सकता है। ये हो गया तीसरा पार्ट कि मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यू होंगे, स्किन के इन्फेक्शंस होंगे। आप वो देखो, इतने दिन वो फंसे रहे तो कहाँ वो यूरिन कर रहे थे, कहाँ वो सफाई की व्यवस्था को, तो हाइजीनिक से इसका मतलब स्किन के इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, ENT इन्फेक्शन, तो सब जगह के इन्फेक्शन से बहुत प्रोन होंगे, इम्यूनिटी की बहुत लो लेवल पर होगी, तो इसके लिए भी इनको बड़े आइसोलेटेड एरिया में जहां पर एक अच्छा एनवायरमेंट हो, ऑक्सीजन की भरपूर व्यवस्था हो, जो जो फिजिशियंस उनको देख रहे हो, मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो, ICU में इनको रखना पड़ेगा, और आईसीयू में रखना पड़ेगा, बिल्कुल पक्का आईसीयू में रखना पड़ेगा, और मॉनिटर करना पड़ेगा अगले 3-4 दिन विद साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, तब जाकर ये काम होगा। रिकवर करने में, पहली जैसी अवस्था में आने में कितना दिन लगता है कि आपको ये आ जाएंगे फिर से उधर डिगिंग के काम में, खुदाई काम में, जो उनका काम है वो कर पाएंगे? देखो, इसमें हफ्तों महीनों लग सकते हैं, और हर आदमी की बॉडी डिफरेंट है। अब आपने 41 लोग वहां थे, उसमें अलग अलग लोगों की क्षमता होगी, किसी की इम्यूनिटी कम है, किसी की ज्यादा है, कोई ज्यादा हेल्दी है, किसी को लाइफस्टाइल डिजीज हो सकती है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्या मालूम किसी को हो ऑलरेडी, नेचुरली 41 लोगों में से कुछ ना कुछ हो, तो इसीलिए इनमें सांस की बीमारी हो किसी को, तो इनमें हर एक लोगों को अलग अलग एक इंडिविजुअल एंटिटी को समझना होगा, और उसकी हेल्थ का कार्ड एक बनेगा, और ये लंबा प्रोसेस है, ये हफ्ते भी नहीं हो सकता, महीनों लग जाए इनको नॉर्मल लाइफ में वापस आने में, और उसके बाद भी इनको किसी ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिक या जो इस ट्रॉमा से गुजरे हैं वैसी अगर स्थिति देखेंगे तो वहां फिर घबरा जाए, दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाए इनका डर, डिप्रेशन, ऐसा भी संभव है। तो आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि भविष्य में उनको उस साइट पर काम करने के लिए ना भेजा जाए? नहीं, भविष्य में जब तक वो साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट ना कह दे तब तक वहां मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये साइकोलॉजिस्ट डिक्लेयर ना कर दे, क्योंकि आप सोचो कि दिमाग ना बहुत ही सेंसिटिव चीज है, और उस पर चोट लगी है, जैसे शरीर का चोट हमको दिख रही है, हाथ की चोट दिख रही है, कमजोर पेट दर्द, जो शरीर दिमाग की चोट है वो इसी तरह है, डिप्रेशन है, हेडेक है, रेस्टलेसनेस है, एंग्जाइटी है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, कितने दिन लगेंगे वो, जब तक साइकियाट्रिस्ट इनकी थेरेपी होती है, इसको कहते हैं हम लोग थेरेपी, इसमें हिप्नोथेरेपी भी होती है, बहुत सारी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग्स आती हैं, उसको करने के बाद बताएंगे कि कब वो उस स्थिति में वापस जा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि देखो, क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत साफ नहीं है, क्लीन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, वो सारी चीजें फिजिकल के साथ मेंटल भी प्रेशर दे रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी, मेंटल डिसऑर्डर होने की संभावना है, और फिर जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर, जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं लगातार एक छोटे से जगह पर, तो वो कई चीजें बहुत ही खतरनाक उनके लिए, अनसर्टेन फ्यूचर, उनको ऐसा लगा कि पता नहीं आगे क्या होगा, आप कितने दिनों से ऐसे बार बार सोच रहे हो, अंदर फंसे हुए, उनको रेल नहीं लग रहा, आप कब निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, तो मन का जो डर है वो धीरे धीरे जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसीलिए साइकोलॉजिकल थेरेपी की इनमें आवश्यकता है, हिप्नोथेरेपी की आवश्यकता है,
कि जिससे कि उस स्थिति को देख के वो दोबारा से डर ना हो, जैसे मान लो टनल में जाना, उसको एकदम से अचानक में फंस ना जाओ, तो इसीलिए ये जरूरी है कि उनको फोबिया ना बन जाए उनका। हाँ, लंबी काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, लंबी फिजिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, लंबी फिजिशियन और साइकेट्रिस्ट की केयर की जरूरत पड़ेगी। खाने पीने में क्या देना चाहिए? खाने पीने में देखिए बहुत बढ़िया, उनको नॉर्मल डाइट देना चाहिए। क्या है अभी सबसे बड़ा कमी क्या हुई? फाइबर की कमी हुई, क्योंकि वहां पर अंदर ऐसे तो नहीं दे सकते कि आपने पूरा दूध अंडे भी नहीं वहां पहुंचा पा रहे थे, ड्राई फ्रूट पॉपकॉर्न ऐसी चीजें दे रहे थे जिसमें फाइबर ही नहीं है, वो सारे आंत में वो इंटेस्टाइनल हेल्थ खत्म हो गई। तो अब इनको धीरे 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 सेमी सॉलिड नॉर्मल डाइट, फिर सॉलिड डाइट जिसमें फाइबर हो वो देना होगा, जिसमें विटामिन ए डी सी ये हो वो देना होगा, इम्यूनिटी भी बढ़े और गट की हेल्थ भी बेहतर हो, प्रोबायोटिक देना होगा, और हो सकता है इसमें साथ में आईवी फ्रूट्स और सप्लीमेंट देने पड़े। खास तौर से अभी जो कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर की मात्रा और विटामिन्स के साथ और मिनरल्स के साथ बढ़ाना होगा, मतलब बैलेंस बैलेंस डाइट की तरफ जाना पड़ेगा, बैलेंस डाइट और धीरे धीरे नॉर्मल डाइट जो रोजाना खाते हैं वो वहां पर जाना होगा। ठंड के ऐसे मौसम में रिकवरी में बहुत दिक्कत आएगी? नहीं, बाहर निकलेंगे तो ठंड के मौसम का तो मुझे लगता है कि आईसीयू केयर में ये रखे जाएंगे, तो वहां पर तो जो टेम्परेचर का इसका सारा ध्यान रखा ही जाएगा। तो सरकारों के लिए क्या कहेंगे आप, सब स्थानीय प्रशासन के लिए क्या कहेंगे? देखिए ये बात 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 हो चुकी है कि ये सेस्मिक जोन्स है, यंग पहाड़ है, माउंटेन ये हिमालयाज, तो इसमें बहुत सोच समझ के, जैसे उत्तरकाशी जैसे हादसे करना हो तो टनलिंग को बहुत सोच समझ के बहुत साइंटिफिक तरीके से किया जाए जिससे कि आगे से ऐसे हादसे ना हो। धन्यवाद डॉक्टर साहब कह रहे हैं। इस आज के दिन निश्चित रूप से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का और साथ में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी जी का और पूरी की पूरी जिस जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है उसका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी भी उनको विश्वास को खत्म नहीं होने दिया। बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, पुष्कर धामी जी ने भी और एमडीएमए की टीम ने भी वहां पर लगातार उनसे कम्युनिकेशन साधे रखा जिससे उनको कभी निराशा नहीं हुई और उनमें हमेशा आशा रही। ये भी एक वजह है कि हम इनको बेहतर स्वस्थ स्थिति में वापस ला पाए और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है जल्दी ही काम पर वापस लौटेंगे। धन्यवाद केंद्र सरकार का, धन्यवाद उत्तराखंड सरकार का। ये थे डॉक्टर अनिल गोयल जी, जिनका कहना था कि भविष्य में ये लोग साइकोलॉजिकली और फिजिकली जो चैलेंजेस है उससे बाहर निकलकर जल्दी ही वापस आए, पूरा देश यही कामना कर रहा है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।